हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम खीर की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। देखिए, हमने 1 किलो दूध के लिए आधा कटोरी चावल पहले भी इसको अच्छे से धो करके और आधे घंटे के लिए भिगा देंगे पानी में। उसके बाद खीर बनाएंगे। हमने अपने चावल को अच्छे से पानी से धो लिया है। अब इसको आधे घंटे के लिए हम भिगा दिए हैं। हमने दूध को गैस पे बॉयल करने के लिए रख दिया है। इसको हाई फ्लेम पे नहीं, लो फ्लेम पे ही बॉयल होने देंगे। और मेरा चावल भी धो करके आधा घंटा हो चुका है। अब दूध बॉयल हो जाए तब इसमें चावल को डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको लो फ्लेम पे उसको भून लेंगे। अब इसको गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं, इसको निकाल लेते हैं, नहीं तो जल जाएगा। हमारा दूध बॉयल हो गया है। गैस के फ्लेम को लो किए हैं और चावल को मैंने आधा घंटा भिगा कर रखा था, इसके पानी को अच्छे से छान लिए हैं। अब इसको दूध में डाल देंगे। चावल को हम लो फ्लेम पे ही पकने देंगे, जिससे चावल भी हमारा अच्छे से हो जाएगा और ये जलेगा भी नहीं। इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब इसको ढक देते हैं। हमारा खीर को बनते हुए 10 मिनट हो चुका है। अब इसको देख लेते हैं। इसका चावल और 10 मिनट पकेगा। अब इसको ऐसे थोड़ा दबा करके चावल को ऐसे चलाएंगे, जिससे चावल हमारा थोड़ा सा टूटेगा और गाढ़ा होगा। और 10 मिनट इसको गैस पर रखेंगे, जिससे अच्छे से पक जाए और गाढ़ा हो जाए। हमने जो काजू किशमिश और बादाम को भून कर लिया था, उसको खीर में ऐड करेंगे। और छुहाड़ा है, एक छुहाड़ा को बारीक बारीक हमने कट किया है। 2 छोटी इलायची है और चीनी है। चीनी आपको मीठा पसंद है या थोड़ा हल्का मीठा पसंद है, आप अपने हिसाब से ऐड करें चीनी। हमारे खीर अभी 8 मिनट हो गया है, अब गाढ़ा भी हो गया है। अब इसमें 2 छोटी इलायची ऐड करेंगे। छुहाड़ा है, ये भुना हुआ काजू किशमिश बादाम है। अब इसको इसमें ऐड करके 2 मिनट पका लेंगे। गैस के फ्लेम को अब 2 मिनट के बाद बंद कर देंगे। हमारा खीर गाढ़ा हो गया है, तब चीनी ऐड करेंगे। अभी चीनी ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा खीर फट जाएगा। इसको 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। खीर बन चुका है। अब गैस के फ्लेम को हम बंद कर दिए हैं। अब इसमें चीनी ऐड करेंगे। इसको चीनी को मिलाएंगे। देखिए, हमारा खीर भी गाढ़ा हो रहा है।
इसको चीनी को थोड़ा देर छोड़ देंगे, जिससे चीनी हमारा अच्छे से घुल जाएगा। फिर से इसको सर्व करें। हमने खीर को सर्व कर लिया। हमारा खीर देखने में कितना है लजीज और टेस्टी दिख रहा है।